सो यू नो द बॉयज प्लेड रियली वेल एंड इमरान प्लेज अजहर एंड उन्होंने बहुत कोशिश करी पर काश मैं यही चीज फिल्म के बारे में भी कह सकता। मैं गई इस वीक की न्यूएस्ट रिलीज फिल्म अजहर देखने, जिसको देखकर मुझे पता चला कि फिल्म मेकर्स कितने इंटेलिजेंट होते हैं। डिस्क्लेमर में उन्होंने हमें बता दिया कि ये फिल्म कुछ हद तक मोहम्मद अजहरुद्दीन के लाइफ पे बेस्ड है। डायरेक्टर टोनी डिसूजा ने राइटर रजत अरोड़ा को सिर्फ वन लाइन का ब्रीफ दिया, अजहर इज अ गुड बॉय। चाहे अजहर पैसे ले फिर भी वो जानबूझ के कभी मैच नहीं हारता, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे उसे इतना गिल्ट होता है कि इज अ गुड बॉय। मैच फिक्सिंग स्कैंडल के सारे डिटेल्स जो हमें ऑलरेडी पता थे एक बार फिर बता दिए जाते हैं और फिल्म को दोनों एक्ट्रेसेस के बीच इक्वली डिवाइड कर दिया गया है। इंटरवल के पहले प्राची देसाई, जो खूबसूरत तो लगती हैं, बॉलीवुड की रेसिडेंट सती सावित्री भी हैं, सर पे घूंघट लिए, आंखों में आंसू लिए, अजहर के लिए रोती रहती हैं। इंटरवल के बाद नरगिस फाखरी हैं, जो संगीता बिजलानी का किरदार निभा रही हैं। मिस बिजलानी को अगर किसी बात पे गुस्सा आना चाहिए था तो वो बस ये कि एक एक्ट्रेस को छोड़कर होटो को क्यों कास्ट किया गया है उनको प्ले करने के लिए। इमरान हाशमी ने इस रोल के लिए मेहनत तो बहुत करी है। मोहम्मद अजहरुद्दीन की तरह वो चल सकते हैं, कॉलर रेस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर शक्ल ही नहीं मिलती ना। शक्ल तो वैसे फिल्म में किसी की किसी से भी नहीं मिलती। फिल्म मेकर्स को बस एक टेंशन थी कि कोई उन पर कोर्ट केस ना कर दे। इस वजह से नवजोत सिंह सिद्धू, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर और कपिल देव जैसे किरदारों को सिर्फ फर्स्ट नेम से बुलाया गया है और किसी कैरेक्टर की शक्ल भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से हंसी आती है इन टेंस सीन्स में भी। लारा दत्ता और कुणाल रॉय कपूर फिल्म में लॉयर्स बने। लारा दत्ता तो चीखती रहती हैं, कुणाल रॉय कपूर ने अच्छा काम किया। एक्चुअली ना बैड राइटिंग ने पूरी फिल्म पे पानी फेर दिया, इसलिए डकवर्थ लुईस मेथड का इस्तेमाल करते हुए मैं दे रही हूँ अजहर को 2 क्विंस आउट ऑफ 5। इसे तभी देखने जाए अगर आपका दिल बड़ा हो और लोगों को माफ करने के मूड में हो आप।